हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जो मैंने सीरीज शुरू की थी उसमें से एक मंथ मिसिंग था। बीच में दिवाली आ गई, बीच में बहुत हम बिजी हो गए, तो फेस्टिवल सीजन में कुछ एक चीज़ रह गई, वो थी कि जो लोग दिसंबर में बॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बस आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो दिसंबर बॉर्न पीपल के बारे में बताने जा रही हूँ। कैसे होते हैं वो लोग, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ कि वो लोग जो है उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं रेमेडीज़ बताऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए अपने लक को और इन्हेंस करने के लिए। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, दिसंबर बॉर्न जितने भी पीपल होते हैं वो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कभी भी उनसे मिलो, क्योंकि दिसंबर मींस नंबर 12। आप मंथ को देखिए तो 1 एंड 2 आता है साथ में, तो 1 एंड 2 की क्वालिटी और 12 नंबर है यानी कि 3 की क्वालिटी। ये 3 नंबर की क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी दिसंबर बॉर्न पीपल में। ऐसे लोग बड़े स्ट्रांग होंगे, लीडरशिप बहुत अच्छी होगी उनकी, नॉलेजेबल बहुत होंगे। ऐसे लोग थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा होता है। इसके साथ वो एक कार्य बिना सीमित नहीं रहते, उनको लगता है ये किया है अब कुछ और आगे करें। यानी कि ऐसा है जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली, तो अब हम कहेंगे हम एस्ट्रोलॉजी भी सीख लें, हम टैरो कार्ड भी सीख लें, हम ये भी कर लें। मींस बहुत कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी सी चीज़ पे सीमित नहीं रहते। कुछ करने की भावना, कुछ सीखने की भावना इन लोगों में हमेशा रहती है। आप अगर दिसंबर बॉर्न की लेडीज़ को देखेंगे तो उनमें ये नेचर होती है, वो अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग बड़े मिलजुल कर रहने वाले और हंसमुख नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ कमी तो इन लोगों में भी होगी। थोड़े से जल्दबाज होते हैं, काम को कई बार जल्दबाजी में ख़राब भी कर देते हैं। तो जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, यही एक चीज़ है जो आप में बहुत ख़राब है। अब एक और चीज़ है जो जिसका ध्यान आपको बहुत रखना है, वो ये कि पैसा आप जोड़ नहीं सकते। पैसा आया, इधर से आया, उधर से आपने खर्च कर दिया, तो ये कमी आप में बहुत होती है क्योंकि आप थोड़े उदार भी हैं। जैसे ही कोई आपसे पैसा मांगेगा आप दे भी देंगे उनको, तो ये भी एक रीज़न होता है। और फिर वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी तो गारंटी होती नहीं है। उदार दिल के हैं, किसी को भी मुसीबत में देख के आपको दया आ जाती है। लोकप्रिय आप जल्दी हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो आप लोग जो हैं वो एक ऐसी नेचर के भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ज़्यादा टोका टाकी आप लोगों को पसंद नहीं होती। जो आप करना चाहते हैं, खुद के फैसले खुद लेने की ताकत आप लोगों में होती है। अब आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी खांसी जुकाम होना यानी कि आपका जो लंग्स हैं उनको आपने बहुत केयरफुली रखना है। थोड़ा सा भी कभी भी आपको सर्दी जुकाम हो तो उस पे ध्यान देना है, क्योंकि आप में टेंडेंसी है कि ब्रोंकाइटिस बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे आपको ध्यान भी देना है। वैसे तो आप सबसे फ्रेंडशिप करते हैं, सबके लिए अच्छा करने का सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि आप रिस्क टेकर बहुत हैं। और एक काम कोई भी काम करेंगे तो बड़े ध्यान से करेंगे, लापरवाही से बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन लोग आपका फायदा भी उठा जाते हैं क्योंकि आप ऐसे हैं। आप जल्दी लोगों की बात को मान भी जाते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि लोगों को अपना फायदा मत उठाने दीजिए। बाकी दिसंबर बॉर्न हैं तो आप एक अच्छे व्यवहार के लोग होते हैं, आपको पता है किसके साथ क्या व्यवहार करना है। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस मंथ में बॉर्न हुए हैं उस मंथ की कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें, वो चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। और जैसे कि हेल्थ इश्यूज
उस मंथ के हिसाब से भी हमारे अंदर आएंगे। तो अगर हम कुछ रेमेडीज कर लेते हैं तो जो बैड इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो मैं दिसंबर बॉर्न को हमेशा कहती हूँ कि आपको एक टर्क्वाइस पहनना चाहिए। आप टर्क्वाइस पहनिए, आप देखेंगे कि टर्क्वाइस जो है आपके लक को इतना एनहेंस करेगा कि आप जिस लेवल पे अभी होंगे वहाँ से कितना ऊपर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो सलमान खान को देखिए, जिसने टर्क्वाइस जब से पहना तो उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाया। दिसंबर बॉर्न है, तो बस ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपको हमेशा करना चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि आप 12 नंबर मंथ के हैं, नंबर 3 के हैं, तो आपको गुरु की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो गुण आप में अपने आप ही आते जाएंगे। आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप एक अच्छे प्रीचर्स बन सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट में अच्छी क्लासेस ले सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी क्वालिटीज आप में खुद में आ जाती है जब, क्योंकि आप दिसंबर बॉर्न हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग दिसंबर बॉर्न हैं, आई थिंक आज वो लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी सुनने को मिली हैं। तो इसी के साथ आज की ये पूरी सीरीज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, अगली सीरीज जो मैं लेने जा रही हूँ वो है कि अब जो न्यू ईयर आ रहा है तो 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो अगले बार से आप इंतज़ार करिए मेरे इस सीरीज का कि 2023 पूरा ईयर सबके लिए कैसा रहेगा, और हर नंबर के लिए 1 से लेकर 9 तक हर नंबर के लिए ये ईयर कैसा रहेगा, और आपको किन किन चीज़ों का विशेष रूप से इन ईयर में ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों के क्या रेमेडी करनी है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिर्फ न्यूमरोलॉजी से नहीं, टैरो कार्ड से भी बताऊंगी और कोशिश करूंगी एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा सा बता सकूं। तो फ्रेंड्स, वेट कीजिए मेरी इस सीरीज़ का, जो कि आज आप जो देख रहे हैं उससे नेक्स्ट जो है आपको ये सब सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे कोर्सेज हर महीने चलते हैं, जो आप लोग सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड आप सीख सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ आप लोग मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।